आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने इस कारोबारी सप्ताह 2800 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आते हुए देखी है, लेकिन आज देख रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी वादा दोनों ही 2800 से नीचे लुढ़क चुके हैं, 2700 के घरों में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल एक बार फिर से 2800 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा और उससे ज्यादा के लेवल्स दिखला पाएगा, या फिर यहाँ से बिनौला खल में भी करेक्शन बनेगी? देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपके चैनल पे ही बताया था, जब 2450 का भाव चल रहा था कि लॉन्ग टर्म में बिनौला खल में काफी अच्छी तेजी है, जो हमें लगता है कि अगले साल मार्च तक 3800 से लेकर 4000 का भी लेवल दिखा सकता है। उसी के साथ साथ हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन भी देखा, जो 2850 तक का लेवल दिसंबर वायदा ऑलमोस्ट दिखाता हुआ दिखाई दिया। डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी और जिस ढंग से हमने देखा SMP मतलब जो पाउडर मिल के उसके भी भाव तेज हो रहे, वो कहीं ना कहीं बिनौला खल को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में आज के सेशन में ही हमने गिरावट देखी है। यहाँ से 100-150 पॉइंट की अगर गिरावट आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल कारण की वजह से आ जाए, बट ओवरऑल मुझे लगता है जनवरी वायदा अगर 2600-2650 के बीच में वापस लिंक किया जाए तो इमीडिएटली जनवरी मिड तक तो हमें लगता है कि ये 3100 तक का लेवल दिखा दे, बट फरवरी और मार्च में नए जैसे मस्टर्ड DOC और बाकी DOC आने से पहले पहले हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर जबरदस्त तेजी, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में डिमांड प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 11% से ग्रो होगी। नॉर्थ साइड में हमने 4.5% का ग्रोथ आते हुए ऑलरेडी देखा है, और जैसे कि हम जानते हैं कि दूध में जो फैट बढ़ाता है वो खाली कॉटन सीड ऑयल केक ही बढ़ाता है, दूसरे जो खल है वो प्रोटीन बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली जनवरी तक तो 3150 तक का टारगेट है, बट मैं काफी बुलिश हूं 2022 के अंदर कॉटन सीड ऑयल की एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जिसके अंदर हम एक जबरदस्त तेजी देखें। तो टाइमिंग हो सकता है 2600-2650 का रेंज मिल जाए, बट जनवरी मिड तक वापस 3100 का लेवल हम देख पाएंगे। जी, तो अजय जी काफी ज्यादा बुलिश हैं बिनौला खल के अंदर, जनवरी मिड तक उनके अकॉर्डिंग 3150 तक के लेवल्स बिनौला खल की कीमतों में बनते नजर आ सकते हैं। पोल्ट्री से काफी अच्छी डिमांड निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि बिनौला खल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जो दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाता है।